घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। काम से अब इनका क्या होगा? मार रहा है, जानता है मेरा नाम क्या है? तेरा जो भी नाम, क्या तू खुद को बचा पाया? क्या खुद को पिटने से रोक पाया? तूने जो पाप किए हैं उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। अरे बहन जी, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। ओके बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? चाहे कुछ नहीं हुआ। लगी भी होगी तो तुम कहाँ मुझे बताओ? मुझे कुछ हो सकता है क्या चाचू? आज फैसला हो ही जाए। तुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त देता हूँ। अपने कुत्तों को बोल कि 5 मिनट में मुझे मार के दिखा दे। मैं उन 5 मिनट में एक बार भी हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। खत्म कर दे मुझे। लेकिन उसके बाद 5 मिनट के खत्म होते ही तेरे सारे आदमियों को मैं एक एक करके तेरी आंखों के सामने मारूंगा। मुझे कसम है अपने पापा की, तेरे बेटे को ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। अब समझे असली मर्द क्या होता है? है कोई मर्द यहाँ? कूल बेबी कूल, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आई लाइक दिस गेम। हे, किसी का मर्डर किए मुझे एक जमाना हो गया। इंसान हो या फिर हथियार, काम तभी करते हैं जब तक उनमें जंग ना लगे। वी आर रेडी। तुझे मारने के लिए मुझ जैसे मर्द की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही काफी है। गर्ल्स, गो एंड गेट हिम। Hey!
फिनिश रिबेल फिनिश। ये छोकरियां रेबल का कुछ नहीं उखाड़ सकती। स्टीफन टाइम वेस्ट मत कर, कुत्तों को भेज। बस अभी एक मिनट का वक्त है, मार दो मुझे वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। बॉयज एंड गर्ल्स रिलैक्स। Our 5 minutes finish. Now it's rebel time. Baby, अपने आशिक से कहो गेम आगे बढ़ाए। Rebel time starts.
आई। बेटा रो रहा है, रो रो ना रो ना। क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो गेस्ट हाउस में बुलाया था। ये गन अपने पास ही रखो, अगर कोई तुम्हारे नजदीक आया तो शूट कर। ए, ए, उसे गन काहे को दे रहा है? इसी लड़की के चक्कर में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा लिया था। इस लड़की को जाने दो। क्या? इस लड़की को छोड़ दो वासू। क्या ये भी तेरी गर्लफ्रेंड है? इसे कुछ हुआ तो मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तो लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी, अगर इसे छोड़ा तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ो इसे, देख क्या रहे हो। मैंने कहा ना इस लड़की को हाथ मत लगाना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। अच्छा, ए, आप उनके फार्म हाउस में चार पालतू कुत्ते, उन्हें मैं बिस्किट खिलाता हूँ और तुमको पैसे, बस इतना ही फर्क है। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे सवाल कर रहा है? ये कहकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहा था ना मेरा ईगो वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर फैला होता है।
अब वाईफाई ऑन हो गया। वाईफाई ऑन है, कनेक्शन काट। यूजर नेम दया, पासवर्ड पुलिस पुलिस पुलिस। हिम्मत है तो मेरे कवरेज एरिया में आके दिखा। हम लोग तो भाई थे ना। ना तू कभी मेरा भाई था, ना तू कभी मेरा भाई बनेगा। तू विलन है और मैं हीरो। मैं बता रहा, तुम्हारी पोस्टिंग मैंने यहाँ करवाई थी। जानता हूँ, क्योंकि तू चाहता था कोई कुत्ता आकर तेरे तल पे जाए। इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। आज से तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। तेरी नींद हराम कर दूंगा, एक बुरा सपना बनकर डराऊंगा मैं। मुझसे लड़ेगा तू? लड़ाई तो तब कहलाएगी जब 100 लोग मिलकर मुझ पर वार करेंगे। तू अकेला आएगा तो गाड़ के रख देगा दया तुझे, गाड़ के। कैसा लग रहा हूँ भाई? मैं 50 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म बनाऊंगा और उसमें तुझे हीरो बनाऊंगा। अगर मार्केट के सारे भिखारी भी फिल्म देखेंगे तो सुपर हिट। मुझे हीरो नहीं बनना है, गाना और फाइट मुझे बोरिंग लगते हैं। मुझे विलन वाले कम पसंद है। तो इसमें नया क्या है? मेरी पर्सनालिटी पे वही सूट करता है। कौन है तू? अरे मार क्यों रहा है? अरे बस कर। अरे क्या कर रहा है वो? मैं चाहता हूँ ये मर जाए। मेरे एरिया में घुसकर मेरे बेटे को मारता है कौन तू? मैं कुत्ता नहीं जो तेरा इनविटेशन लेकर आऊँ, शेर हूँ। तू अपने बेटे को मार खाते नहीं देख सकता, तो फिर कोई माँ बाप अपने मासूम बच्चों को भीख मांगते कैसे देख सकते हैं? फिकर मत करो, अंधा हो जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। रोने पे ध्यान मत दो, अंधा कर दो। बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ दे मेरे बेटे को। तू क्या मदर टेरेसा का शिष्य है जो इन भिकमंगों का मसीहा बनके तू यहाँ आया है? चढ़े बता इसे कौन हूँ मैं? ये पूरे शहर में दामू सेठ का राज है। ये बूढ़े बच्चों के हाथ पैर काटकर उनसे भीख मंगवाते हैं, और तू तो कितना चिकना है, तुझे तो भीख भी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। बना दो इसे भी भिकमंगा। स्टेशन
इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करता है। तूने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उन मासूम बच्चों की आंखें निकाली थी ना, जिन्हें अपनी माँ की गोद नसीब नहीं हुई, उनके हाथों में तूने कटोरे थमा दिए। बस करो भाई, उनको किए की सजा मिल गई, अब तो भिखारी इन्हें भीख देंगे। मुंह छोड़ दो, नहीं तो भीख भी नहीं मांग पाएंगे। बड़े भाई छोड़ दो ना, कितनी देर से चिल्ला रहे, कान में दर्द होने लगा है। सर बुरा मत मानना, ये सलाम ठोकने की हालत में नहीं है, एक छोटी रिक्वेस्ट है। बस करना, जीप में ले जाने की बजाय इन्हें एम्बुलेंस में ले जाइए, कम से कम चक्की तो पीस पाएंगे। Do you have any death wish? क्या कहते हैं उसे, आखिरी ख्वाहिश है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथों से मारो। हा? मुझे मार मार के मार डालो। सुना, इसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं इसे मार मार के मार डालू। ठीक है, मार। क्या हथकड़ी खोल के मार। सुनो, तुम्हारे मालिक ने मुझे हाथ बांध के मारा, करने का बोला तो सोच रहा है। तूने मेरा हाथ तोड़ा और तेरे साथ इतने लोग हैं, फिर भी तू डर रहा है। साला डरपोक कहीं का। मेरा हाथ तोड़ने और इतने भाड़े के टट्टू होने के बाद भी तू मेरी हथकड़ी खोलने से डर रहा है ना? इसको कहते हैं डर। जमाल क्या कर रहे हो? गोली मारो इसे, शूट हिम, ही इज अ ट्रिकी गाय। मैं कह रहा हूं, मेरी बात मानो, जस्ट शूट हिम, तुम इससे जीत नहीं सकते। मेरा मतलब, खोल दो इसे। Huh?
कह रहा हूँ भाई, ये दोनों लड़ते लड़ते मर जाएंगे। आप बोलो तो मैं गोली मार देता हूँ उसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बात मानो ना। इसे और कोई रास्ता नहीं है, जस्ट शूट हिम। हथियार नीचे। चाहे मुझे मार दे, लेकिन स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करने की सारी डिटेल्स वहां उस शिप पर है और उनका काम चलता ही रहेगा। सस्पेंस में ही मर।